निर्जला देवी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शाल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे कार्यकर्ता है श्री तिलकराज जी शर्मा जी, प्रधान ग्राम पंचायत सार, जिला परिषद के मेंबर हैं, ठाकुर जी को बैच पहनाकर स्वागत करें। आज की संता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं अपनी समस्त पंचायत की जनता का भी धन्यवाद करती हूं कि वो यहां पर आए और हम सब का यहां पर साथ दिया। धन्यवाद। श्रीमान जवाहरलाल शर्मा जी से क्यों हमारे मार्गदर्शन हेतु जन शब्द कहे श्री जवाहरलाल शर्मा। श्री जवाहरलाल आदरणीय हमारे विधायक श्री पावन नैयर जी का मैं अपने गांव की जनता के उपलक्ष में इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हमें मंडलाध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री विनोद कुमार और विराजमान चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पावन नैयर जी, लिंडा पंचायत की प्रधान श्रीमती निर्जला जी, हमारे पूर्व जिला परिषद चेयरमैन देशराज शर्मा जी, हमारे मंडल के महामंत्री धीरज नरियाल जी, संजय महाजन जी, जिला परिषद सदस्य राकेश जी यहाँ पर उपस्थित, रिंडा पंचायत की जनता, आप सभी का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मुझे बुलाया है कि वो यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ हम आप सभी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं पार्टी की ओर से, विधायक साहब भी, कि आप लोगों ने जो है वो भारी बहुमत से आदरणीय पवन नैयर जी को यहाँ से जिताकर
विधानसभा में भेजा है, इसके लिए आप सभी का चंबा मंडल की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी ने जो यहाँ से लीड दी है इसके लिए उसी रफ्तार से जो है वो हमारे नीर साहब भी आप सभी का जितने भी कोई काम है उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। श्री राजेश कुमार जी से निवेदन है कि हमारे पूर्व रहे चंबा जिला परिषद के चेयरमैन श्री राजेश कुमार शर्मा जी से कि वो मंच पर आए हैं और प्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मठ, दो बार लगातार रहे मंडल के अध्यक्ष भाई विनोद कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के सभा की अध्यक्षा यहाँ की सम्माननीय प्रधान श्रीमती निर्जला जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं वर्तमान में बहुत ही जुझारू मंडल के महामंत्री मेरे छोटे भाई धीरज जी, हमारे बीच में कीड़ी वार्ड से मेंबर जिला परिषद भाई राकेश जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे मेरे सहयोगी वार्ड सासरौल से पूर्व सदस्य बीडीसी भाई हितेश जी, यहाँ के रिंडा वार्ड के वार्ड पंच, दन्हे के वार्ड पंच, दुबड़ाए के वार्ड पंच, हमारे यहाँ के बूथ के अध्यक्ष सुनील जी, बूथ पालक राजकुमार जी, उपस्थित इस ग्राम पंचायत की पर्वत जनता और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहां आए और हमारे आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत किया। महोदय, भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए इस पंचायत की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस पंचायत के प्रधान जी का कि मुझे मंग पत्र कहने के लिए कहा गया। महोदय, ये एरिया जो है ये लगता कि ये रोड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरी पंचायत का एक पार्ट जो है बहुत पिछड़ा है। जैसे ये मान लो पांगी का साथ, महोदय बहुत पुरानी मांग लोगों की है कि सिमली से फतेहपुर बस योग्य मार्ग, ये सिमली ये साथ में पड़ती है और पंचायत पूरी ऊपर पड़ती है इनकी, कभी ये मार्ग बन जाएगा तो मुझे लगता है कि इस रास्ते को खजार के साथ भी जोड़ा जा सकता है और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन भी मिलेंगे। इसके साथ साथ ही महोदय, डोरेटा नाला से दौड़ा तक का रोड ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अगर हो तो निश्चित तौर पे वहां की जो स्थिति परिस्थिति उनको ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जो है वो सुरक्षित मिलेगी। महोदय, इसके साथ ही तुंगली से पंचायत घर इंडा की संस्कृति जो है ये भी अगर मिले तो ये छोटा छोटा पीस है, छोटा टोटा है और ये थोड़ा सा ग्रेड बना भी है। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा और लिंक कर दिया जाए तो वहां के लोगों को और बेनिफिट मिलेगा। महोदय, मुझे बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्षों से इस एरिया में वोल्टेज की कमी है। जब बच्चों के पेपर होते हैं तो लाइट को हटाकर मुझे लगता है कि वो मोमबत्ती जलानी पड़ती है। वो ट्रांसफार्मर मुझे लगता है कि दो वर्ष से लोगों को सुनते हो गए कि मंजूर आप रखे ही कर चले गए क्योंकि चंबे सौ की लगती पंचायत मंजूर होता लगना चाहिए थी, लेकिन आज आप लोगों के समक्ष ये लोग पुरजोर मांग करते हैं
कि अगर बिजली विभाग के अधिकारी हमारे बीच में हैं तो उनको निर्देश दें कि अगर वो ट्रांसफार्मर मंजूर है, सैंक्शन है, तो लग जानी चाहिए थी, नहीं लगी तो उसके पीछे क्या कारण रहे। महोदय, यह निवेदन रहेगा कि कृपया इस पर आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही हमारे पंचायत का एक लास्ट पार्ट पड़ता है, उस गांव का नाम है एक खोली, वहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम के साथ एक टैंक बनना है। अगर वो टैंक बनता है तो स्टोरेज अगर पूरी वहां होती है तो निश्चित तौर पर जो नीचे एरिया पड़ता है वहां को पानी की समस्या नहीं रहेगी। मुझे निर्देश हुआ है कि थोड़ा स्कूल के विषय में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जब हमारे मुखिया यहाँ हो और हम बात ना कहें तो मुझे लगता है फिर सभा का मजा नहीं आएगा। महोदय, वर्ष 1964 से गांव दुबढ़ा में एक प्राइमरी स्कूल है। 1964 से लेकर कोने कोने में, पांगी घाटी के अपर कोने में भी स्कूल अपग्रेड हो गए, लेकिन इस स्कूल को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये प्रपोजल अगर सरकार को जाए, समय लगेगा ये हमें भी मालूम है, लेकिन जब प्रपोजल सरकार के पास होगी तो निश्चित तौर पर जब इस स्कूल की अपग्रेडेशन होगी तो निश्चित तौर पर उस फाइल को आगे रखा जाएगा और हमें स्कूल वहां पर अपग्रेड होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। महोदय, जिस स्पीड से आप काम को गति दे रहे हैं, हम तमाम विधानसभा क्षेत्र चंबा के लोग आपके आभारी हैं कि जिस रफ्तार से आप चले हैं, मुझे लगता है कि 70 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा इन 5 वर्षों में। ये पहली बार हम देख रहे हैं, मुझे भी 30 वर्ष राजनीति में हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार खुशी का विषय है। वैसे तो हम तीसरी बार लगातार अपने विधायक महोदय के बीच में बैठ रहे हैं, लेकिन पीछे जो 2 टर्म में रही थोड़ा सा उसमें मजा आनंद नहीं आया। मुझे लगता है जो 2 बार पहले कमी रही उस कमी को आप पूरी करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारी जो 10 वर्षों की बर्बादी जो पीछे रह गई उसको पूरी करने का प्रयास करें। महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो इस ग्राम पंचायत रिंडा का मांग पत्र आपके समक्ष रखा जाएगा उसको आप बखूबी पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम महीनों से आपके साथ चले हैं। आप कुछ काम तो मौके पर निपटारा कर रहे हैं और कुछ काम को समय चाहिए होता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बजट की कहीं से भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप पुराने अनुभवी हैं। और मैं रिंडा पंचायत के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो आपके माध्यम से विधायक महोदय के समक्ष जो मांग रखी गई है उसको ये पूरी करेंगे। जहां तक ये बजट का सवाल रहा, बजट आकाश में हो चाहे पाताल में रहो, लाएगा ये दाश्य ब्रह्मा के घर में हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत महोदय, थोड़ा सा निर्देश हुआ मुझे पीछे से कि एक छोटा सा पीस, एक सुरैं गांव पड़ता है, इसी पंचायत का लास्ट वार्ड है, वो साच नगोड़ी के साथ लगता है, उसमें एक हमारे पूर्व में भाई किशोरी जी होते थे प्रधान, इन्होंने कोशिश की थी, रह गया था, उसको भी अगर आप जोड़ दें तो मुझे लगता है कि उस गांव का भी थोड़ा भला हो जाएगा। ये सुरैं जो आगे नगोड़ी के साथ लगता एरिया है, इस पंचायत का वो लास्ट वार्ड पड़ता है, वहां पर हल्का सा टोटा सुरैं से टुणा तक है, अगर वो जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि सड़कों का ये जाल जो है ये चारों तरफ से बुना जाएगा। और महोदय, मुझे लगता है जब सड़कों का जाल बुना जाएगा तो अगले चुनाव में हम लोगों को वोट मांगने के लिए बहुत कठिनाई नहीं होगी, सीधे लोगों से संपर्क करके वहां जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय रिंडा पंचायत, जय चंबा। धन्यवाद। मैं परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं श्री धीरे निर्याल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और चंद शब्द। श्री पवन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री विनोद जी, मंडल कार्यकर्ता हमारा किशन बड़ियाल जी,
यहाँ पर उपस्थित पूर्व में रहे जिला परिषद चेयरमैन देशराज जी, ग्राम पंचायत इंटा की प्रधान और यहाँ पर उपस्थित ग्राम पंचायत इंटा की पूर्व जनता, मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हमारे विधायक के पक्ष में मतदान करके इनको जीत तक मतदान पर पहुंचाया। साथियों, आप लोगों ने तीसरी बार चंबा में हैट्रिक बनाई है कि चंबा में तीसरी बार बीजेपी की जो सीट है आप लोगों के सहयोग से बनी है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप लोगों के जितने भी कार्य हैं वो आपके बूथ अध्यक्ष पीएलओ बूथ पालक के माध्यम से विधायक महोदय जो प्योरिटी में है पूरे करने की कोशिश करेंगे। बंधुओं, जिस दिन हमारे विधायक ने शपथ लेने के घंटे बाद इन्होंने शिमला से फोन किया कि मेरा चंबा का प्रोग्राम जो टूर प्रोग्राम है विधानसभा क्षेत्र का उसको तय करें। हम लोगों ने उस दिन से इनका टूर प्रोग्राम बनाया और आज तक वो चल रहा है। ऐसे आपको ऐसा विधायक कहाँ मिलेगा जो एक दिन भी घर में नहीं बैठ रहा है, लोगों में लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुन रहा है और उन समस्याओं को का निपटारा जो है वो मुक्केबरी किया जा रहा है। हम देख रहे हैं जहां भी गए वहां पर दो चीजों की ज्यादा डिमांड है, सड़क और पानी। और हमारे विधायक महोदय ने आपको पता ही होगा कि कल धुमार से अगार तक पहली सड़क का उद्घाटन किया है और एक जो हमारी साओ की कीड़ी से लेके सरोज तक एक सड़क उसका शिलान्यास भी अब तक कर चुके हैं। मात्र दो महीने में दो सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कई विधायक आए कई गए, बनने के बाद कुछ विधायक को 5-6 महीने दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा विधायक आपको कहां मिलेगा जो कि जनता के बीच में रहना पसंद करता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कुछ लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याएं जो बार बार फोन पर इनको तंग करते हैं उनको भी थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम ही तो इनको इतना ज्यादा तंग करें कि आने वाले समय में कि हमारा फोन ही ना उठाए, क्योंकि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसको खुद भी निपटारा कीजिए। कल मैं देख रहा था एक फोन आया, उनका बीए हमारा योगेश वहां बैठा हुआ था साथ में, तो भाई डॉक्टर नहीं मिला, विधायक साहब को फोन कीजिए, इतनी छोटी समस्या के लिए इनको तंग न किया जाए। और संगठन की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपके कोई भी कार्य है जो कि विकास के कार्य जितने भी हैं उसको पूर्ण करने के लिए विधायक महोदय हमारे साथ हमेशा है, हमेशा है। आप लोगों का जैसा सहयोग हम इस क्षेत्र चुनावों में मिला है ऐसा ही सहयोग आप देते रहेंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अति प्राण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाराज कृष्ण प्रसाद जी से जो मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें, श्री महाराज कृष्ण प्रसाद जी। महामंत्री संजय महाजन और धीरज नरियाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष चेयरमैन श्री देशराज शर्मा जी, और क्षमा चाहूंगा मेरे से भी सीनियर बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, शायद मास्टर चिमारूलाल जी, जिनके मार्गदर्शन में शायद मैंने भी काम किया है। ये उस शख्स के कार्यकर्ता हैं जब ये तुंधा में काम नौकरी किया करते थे, जो हमने सुना है, और चंबा में आके जनसंघ की वर्करी किया करते थे। उस समय के हमारे कार्यकर्ता मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद हूँ कि इस उम्र में भी इनका जोश आज भी बरकरार है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा निवेदन रहेगा पवन नैयर जी से कि उनकी असली पूंजी जो है ये लोग हैं, हम नहीं। इन लोगों के प्रयासों से आज ये पार्टी खड़ी है और हम उसका सुख भोग रहे हैं।
जो कष्ट लोगों ने सहे उस जमाने में शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो मान्यवर ऐसे कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखा जाए और इन्हें पूर्ण मान सम्मान दिया जाए। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जो योगदान भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाने में आप लोगों ने दिया, चंबा की प्रबुद्ध जनता ने दिया और हमारे प्रत्याशी श्री पवन नैयर जी को विधानसभा में भेजा, उसके लिए हम करवत आपके आभारी हैं। आप लोगों के सहयोग से ही आज भाजपा तीसरी बार चंबा में अपना परचम फहरा पाई। अन्यथा ये कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, लेकिन आप लोगों के अथक प्रयासों से ही भाजपा को तीसरी बार यहाँ से जीत मिली है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले चुनाव जो 2019 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ जाएंगे, उसमें आप लोगों का सहयोग इससे दो गुना चार गुना मिलना चाहिए, ताकि पवन नैयर जी का नाम दिल्ली तक पहुँच सके। जिस लीड से हम आज जीते हैं, इससे चार गुना लीड से अपेक्षित करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग देंगे। जहाँ तक आपके विकास की बात रही, मैं आपको आश्वस्त करवाता हूँ कि श्री पवन नैयर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में चंबा सदर का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये दिन रात दोगुनी और चार गुना उन्नति करेगा और आने वाले नए अगले विधानसभा चुनावों में आप स्वयं इन्हें वोट देंगे, इन्हें क्षेत्र में आने की आवश्यकता ना पड़ेगी। ये मैं आपको आज आश्वासन देकर जाता हूँ कि चंबा विधानसभा क्षेत्र चंबा को लीड करेगा। जहाँ तक इस इलाके की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करूं, इस क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूं, किसान के तौर पर सिंचाई सुविधा का अभाव है। शायद किसी भी मेरे से पूर्व वक्ता ने उसका जिक्र नहीं किया। किसान का आर्थिक स्तर तभी उठेगा जब उसका किसान को उसके खेत से आमदनी होगी। आज हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा है, उसे चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लगाओ, चाहे उसे रेगुलर लगाओ, चाहे पार्ट टाइम लगाओ, वो चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले। लेकिन मैं इस स्थिति के विपरीत बात करता हूँ। शायद कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना भी हों, लेकिन आने वाले टाइम में वो इस बात को जरूर मानेंगे कि जो मैं आज कह के जा रहा हूँ वही कल का भविष्य होगा। आपको भोजन, भर पेट भोजन जो है आपके खेत से ही मिलेगा, इवन सरकारी नौकरी से भी मिलेगा। क्योंकि सर सुनिए सुरेश जी, हमारी सरकार उसका भी समाधान करने जा रही है। ये जो बंदर आप कह रहे हैं, ये ठाकुर सिंह भरमौरी की देन है, हमारी देन नहीं है। क्योंकि वन मंत्री वो थे, स्टरलाइजेशन स्टेशन जो बना वो सरौल में बनाया, ना तो स्टरलाइजेशन हुई और उन्होंने वहीं बंदर छोड़ दिए। ये हमारा दोष नहीं है, हम लोगों ने जो सरकार चुनी थी उस सरकार की पॉलिसी ऐसी थी। हमारी सरकार जो है वो सोलर फेंसिंग देने जा रही है और सोलर फेंसिंग 10% आपका लगेगा, 90% सरकार अनुदान देने जा रही है और इस बजट से वो शुरू हो चुका है। हम बिल्कुल बार बार नहीं करिए, कोई भी जानवर, बंदर नहीं, कोई भी जानवर, इवन इंसान भी उसको पार नहीं कर पाएगा। 12 फुट का उसका रेंट है, जो छुएगा वो जंप उठा के पड़े गिरेगा। तो इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। बाड़बंदी पे 90% जयराम सरकार, भाजपा की सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। जब तक आपका खेत सुरक्षित नहीं होगा, आपका परिवार नहीं चलेगा। मैं चाहे करोड़पति आऊँ या लखपति हूँ चाहे करोड़पति हूँ, मेरे घर में अगर कोई आएगा तो शायद मुझे बोझ लगे कि मैं उसको चाय भी पिला सकूँ या ना। लेकिन किसान के घर में जब 50 आदमी चले जाएंगे, उसके घर से वो पेट भर के आएंगे। ये पुरानी कहावत है और आज भी वैसा ही है। किसान के पास रोटी सूखी होगी वो भी खिलाएगा, लेकिन भूखा नहीं जाएगा। शहर में हम शायद ऐसा ना कर पाए, हम बोझ समझते हैं। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। आज जो खेत में अगर आप मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर है, आप भूखे नहीं मरोगे। शहर के साथ साथ आपकी पंचायत है, आप दूध पैदा करके भी अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। आप 10 आदमी को रोजगार दे सकते हैं, उसके गोबर को बेच करके आप कमाई कर सकते हैं। खेत में अगर जमीन थोड़ी है तो सब्जी की नर्सरी तैयार करके आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। आप डूला ग्लो कर रहे हैं, वो शहर में अगर नर्सरी बेचते हैं अपने परिवार पर कमा रहे हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि विधायक जी हो चाहे मुख्यमंत्री, हर किसी को नौकरी मिलती है।
इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल के अपने खेत की तरफ ध्यान दीजिए, भरपेट भोजन खाइए और लोगों को खिलाइए। और मैं कहूँगा कि जैविक खेती की, शायद मैं उस बिजनेस से भी जुड़ा हूँ और अपने पेट पे खुद लात मार रहा हूँ सबके समक्ष। जैविक खेती कीजिए, आपका परिवार भी सुखी रहेगा और संसार को भी सुखी करेंगे। पेस्टिसाइड्स में भी जैविक खाद है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं अधिक और जहाँ तक तिलक जी ने बात रखी, मैं बागवान भी हूँ। ये बेल्ट सेब के लिए, अमरूद के लिए, पपीते के लिए, अनार के लिए बहुत सुंदर। सब कुछ पैदा हो सकता है, सिर्फ करने की शक्ति चाहिए। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अनुदान मिल सकता है। लेकिन एक गुजारिश रहेगी, आज मेरा किसान वो भी बेईमान हो गया। सरकार अनुदान इसलिए देती है कि आपकी इतनी मदद कर दी, वो ये है कि सब्सिडी खाओ और बने चाहे ना बने, इस चीज़ को सोच के छोड़िए और उस स्ट्रक्चर को बनाइए जो 10 पीढ़ी तक काम आए और अगला जो आपका परिवार की पीढ़ी है वो सिंचाई टैंक हो, चाहे पुल हो, चाहे बाढ़ बंदी हो, कोई भी स्कीम है, उसका भरपूर फायदा उठाएं। इस बैंक में सेब की भी स्पर्वेंटिंग की फसल हो सकती है। तिलक जी ने लगा रखी है, मैंने देख लेते लक्ष्य चरणों में और आज मैं फिर देखूंगा इसके बाद जाकर कि उसमें इतना समर्थन दिया और आगे भी देते रहेंगे। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि 2019 जो आने वाला भविष्य है, भारत का निर्माण करेगा ना भारत का, उसके लिए तैयार होइए और आज से ही बूथ स्तर पर उसके लिए काम शुरू करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। श्रीमान पवन ने दीजिए श्रीमती निर्मला देवी जी और समस्त वार्ड सदस्य, बूथ अध्यक्ष सुनील कुमार जी, रिटायर्ड डीपीओ श्री चुमारू राम जी, एक्स चेयरमैन जिला परिषद श्री देशराज जी, विनोद जी जो कि हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, धीरज नरियाल जी जो कि महामंत्री हैं हमारे, उदयपुर से श्री तिलकराज जी हमारे एक्स प्रधान बंसीधर जी, एक्स पीडीसी मेंबर श्री तेज जी, मारा सिंह सरियाल जी, नवजीत नवरीत चौखला जी, युविंदर शर्मा जी, तिलकराज का पहले तो मैं तुम्हारे सारे लोगों का तय दिल का धन्यवाद करता। तो सब हमारा इलेक्शन में बड़ा साथ दिया, उस मौके हमारे का टाइम मिली थी और असी इस जगह ही पहले मीटिंग की थी और मैं तो सब बोले दोबारे मैं इसी जगह तो तुम्हारे सारे लोग करो मैं धन्यवाद करता। तुम इतना जोरदार हमारा स्वागत किया, हालांकि मार्का टाइम था भी नहीं, आज सवेरे दे मेला इस संडे आज रेस्ट करना पर आज इतना बिजी काम रहा जब कुछ और मैं तो ना करता गया पर तुम्हारे प्रधान थे ये नहीं मने तो असि तुम्हारा सारे लोग का तय दिल का धन्यवाद करते तुम इतना हमारा स्वागत किया। मैं अपने जितने बाद मैं पूरी कोशिश करता कि पूरी कौंसिल का दौरा जाए जल्दी की जल्दी करा था पर इसका नहीं मैं ये भी दिखता है पहले जब तक असी कोई पैसे अरेंजमेंट नहीं करिए कोई अफसर कहीं मिल गए नहीं कुछ कुछ पैसा है कुछ पैसा नहीं है इसको बड़ा टाइम लगना पे। मैं पूरी कोशिश करता है कि जितने हमारे डिपार्टमेंट मैं उन्होंने आपू जाऊँगा सारे ताकि मुझे सारा पता लग सके। इतने इन्होंने दस ट्रांसफार्मर लाइट का बिल्कुल होनी चाहिए लाइट और बड़ी जल्दी मैं तुम्हारे कने वायदा करता कि तुम्हारे पास पास मेरे जल्दी जल्दी तुम्हारी बिजली समस्या खत्म कर दे। इस कने दूसरी डिमांड थी तुम्हारी स्कूल दी, मैं तो बड़ा हैरान है कि इतने स्कूल पिछली सरकार ने खोल दिए
और उस स्कूल खोलने का कोई फायदा ही कोई नहीं, सारे स्कूल खाली थे। आई ब्यागा बेरगा ओड़ा पंचायत रे निकल कोई 30-40 लोग चाहिए रे बाड़ी का भी कि उतर टीचर ही की 2000 ने बस बोले कोई डेपुटेशन कर दियो तो मैं लो डेपुटेशन पर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि जिस जितने का सा डेपुटेशन मास्टर चुगना तो उस इलाके के लोगों ने बड़ा ही तय के लिए चले उसी हर एक जगह जेड़ा है वो स्कूल दा इतने स्कूल खोल देते कि तुझे पूछे मत और टीचर आई नहीं थे अगर स्कूल वो खोलो जितने तुम्हारा सारा स्टाफ दूर है मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे तो स्कूल अपग्रेड नहीं करना मारी उते शिमले मीटिंग अंदर ही मैं अपने मुख्यमंत्री जी का ये रिक्वेस्ट करती थी कि मैं असी ये चाहते हैं कि जिस स्कूल अंदर जितने जिस ग्राम अगर कोई मारे बच्चे पढ़ दे कोई बीए कोई एमए तो उन बच्चे जो है उते स्कूल अंदर लगाए जाए ताकि वो उते पढ़े चाहे उन्होंने किसी पैसे कट दियो चाहे 7,000 ही दियो पर चलो जब तक कोई दुआ अरेंजमेंट नहीं होता तो उन्होंने उसे पुराने इजाजत दी जाए तो वो इस बारे में सारे सोच दे क्योंकि हमारे चंबे की नहीं है प्रॉब्लम ये सारी हिमाचल की प्रॉब्लम है ता इस संदर्भ में यहाँ तुम्हारे प्रधान और ये सारे रिक्वेस्ट करती स्कूल अपग्रेड करने की अपग्रेड ऐसी तुम्हारा स्कूल जरूर करना है पर थोड़ा टाइम लगना क्योंकि इसी ये चांद दिन पहले ये पहले स्कूल अंदर टीचर आई एक तुसने एक और थोड़ा डिमांड रखी थी सड़क वाली मैं तो जितने भी जानते होते मेरे ख्याल हर एक ग्राम दो दो तीन सड़क डिमांड मैं बड़ा हैरान है कि इतने 10 साल का ये लोग क्या कर दे रहे और असी था सवेरे निकलते और रात 8 बजे करे बैठते निर्याल साहब ने बिल्कुल ठीक बोले मैंने कि इतना भी थक मत करो ना चला हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि तुसा उस जताई की भेजा असि भी ये चाहते जे जे तुम्हारा 10-15 साल का जरा गैप फिर है तुसी लोग भी सच्चे क्योंकि कोई भी एमएलए जेड़े ओ पिछली गल छो हमारी गल है तुम्हारी सड़क ये सड़क तुम्हारी असं करनी करनी सड़क हो और बिजली और पानी ये तुसा दिखी लेना जे 6-7 महीने अंदर बिल्कुल एक दस इन्होंने फिल्टर टैंक वो असं बड़े जल्दी दोबारा कर देना अज जरा संडे था क्योंकि कल भी असी थोड़े का उद्घाटन किया सारे अपने मार्के ने गए थे अज उन्होंने रेस्ट करना था तुसा टाइम भी गलत रखे पर फिर भी तुम्हारा फिल्टर टैंक है ये बड़े जल्दी बनी जाना सड़क वाला तुम्हारा सा सर्वे करवाई देना जमीन तुसा देना पैनी है और फॉरेस्ट का क्लीयरेंस करिए असी तुम्हारे सारे सर्वे का काम भी चालू चलना असा कोई जाली काम नहीं करना एक दो सड़क ऐसी इलेक्शन का टाइम था और इन्होंने अफसर जो प्रेसराइज किया कि तुम सड़क का काम लाई उन्हें सड़क का काम लाई था जूठा मूठा काम लाई था कोई जेसी भी लाई थी जी सड़क हमारी सैंक्शन हुई चली हुई है उस सड़क सारी बंद हुई अभी असने 16 सड़क जब बनवाइया और सैंक्शन कराइया थोड़ा खरी मेन फॉर्मेलिटी रही गई और उस सड़क असने सड़क वही चालू हुई जिससे सारे कागज तैयार हुए ये नहीं होना कि सड़क आज ठगने वास्ते काम लाई जाने चौथे रोज सड़क बंद हो अभी सन जितने सड़क लाई मंगलासन चीड़ी रोड पर काम लग गया देखो जो शोर कर काम लग गया कम रुक ही नहीं सकता कभी भी क्योंकि सारे सारे कागज पूरे किए पैसा भी फिर हमारे का और अगर सड़क दिख लो तुम अच्छ कल हाँ की लोगों की डिमांड थी कि पक्की होनी चाहिए असा गल की और उन्होंने वायदा किया कि जुलाई का पहले पहले पानी सड़क पक्की हो जाए अभी उद्घाटन होया दिख लो तुम और 4-5 महीने में सड़क पक्की हो जाएगी इसके बाढ़ सड़क थी वो भी पक्की हो जाएगी हमारा यही पूरी कोशिश है क्योंकि लोग वाकई दुखी थे 10 साल का हमारी ये कोशिश है कि ऐसी अपू जान कमा रहे का ये नहीं है कि फोन अंदर गल हो जाएगी इस वास्ते हर एक जगह अपू जान कर
और 10 साल का पिछली सरकार ने इतने झूठे मेरे दाबे में लगे ना जाना तान लगे तो लोग कर पता लगना शुरू इंगे पता नहीं होता तुसी भी समझ रहे कि साडा तक कम नहीं है कि पानी नहीं पिया टैंक नहीं फिल्टर टैंक नहीं है तुसी बोलदे कुदे भी नहीं है फिल्टर टैंक और सारी जगह फिल्टर टैंक बने एक साल के अंदर अंदर सारे फिल्टर टैंक जितने भी होंगे चाहे 10 होंगे चाहे 20 होंगे चाहे 50 होंगे चाहे 100 होंगे असं सारे डिपार्टमेंट के बोली तरह जितने भी पानी है उसके फिल्टर टैंक सारे पहले पहले ताकि लोग का जो जरा साफ पानी हमारे पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब जी आई पेज दे एक्शन साहब जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बहुत है एक्शन साहब सारे ठीक काम कर रहे चंबा पहला डिस्ट्रिक्ट होना जीतेगा सर कुसेरी भी ट्रांसफर कोई बोलते कांग्रेस इधर टाइम है कोई बोलते इतने साल हो गए इस वक्त पर तो सारे मारे काम कर देना बदलने की जरूरत ही नहीं है कुछ शरीफिया सोच इलेक्शन भी तो इन्होंने इतने इतने तब कुछ 6 महीने पहले ऐसे ऐसे काम किए जो सुंदर एक पैसा नहीं दिया ये तुम्हारे सुल्तानपुर की जी सीवरेज स्कीम है असो बोले 1.5 करोड़ रुपया आई है और उत्ते जमीन लगी पी दिखाई टैंक कुत्ते बड़े सारे अस भी ये करने जो टैंक पैसा आई है मतलब एस्टिमेट कुत्ते है बोली जो ऑब्जेक्शन लेई है बाप चली गए शिमले अब भी मैं पूछे मैं लोग है कुत्ते एस्टिमेट और मैं शिमले गया ताऊ ते आई पता लग गया जी 1 रुपये नहीं है जेडे लोग बोलते मैं इस मंच का बोलता है और उन्होंने चैलेंज दिया है जेडे बोलते 1.5 करोड़ रुपया सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम जो आई है वो 10 रुपये से है और उन्हें जो अफसर जो शिमले वाले ने ये बोली था जेडे जे चंबे रे खैर हुआ थे बने रे कि तुसी फाइल की चाणो जो टैक्स लेके हाले तक नहीं पैसा नहीं है मैं सेक्टरी साहब को मिला मैं अभी क्या करना बोले ने साहब डीपीआर जो अभी पास कर देंगे पैसा मार कर फिर भी नहीं है मैंने तुसी पास कर पैसा देख लिया ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਲਾਈ ਤੇ ਅਭੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਫਿਲਟਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੋ ਸੜਕ ਸਰਸਾ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਚਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तो इस वास्ते हमारा सिर्फ एक ही मकसद है चंबरी डेवलपमेंट असी जीती गए अभी अभी हमारे वास्ते सारे बराबर है हमारा मेन मकसद है कि चंबा कंसोर्सी डेवलपमेंट हो गया तो सर जो मैं कल हो दसदा इन्होंने क्या कहता की तरह मैं आईटीआई छापा मारे और उतने टीचर ज्वाइन करी है और नसी है ड्यूटी दिन दिन लॉल स्पीकी देख नूरपुर जाएगी नहीं हमें एक और पकड़े अबे पॉलिटेक्निक कॉलेज उतने भी यहाँ है 4 लेक्चर ज्वाइन करिए और 4 नसी पैसा चम्मे का निकलता है और ड्यूटी और पकड़े तो नूरपुर दिन दिन मैं पहले डायरेक्टर का नहीं किया कि ये 10,000 ये इतने कुछ भी ऑर्डर करने इतने ज्वाइन नहीं करी रखी है और मैं अभी असेंबली क्वेश्चन भी किया असेंबली ने कुछ समझा जे कुछ अफसर दे गलाए पर आदमी जे चंबे ज्वाइन करी के और फिर हंसी है क्योंकि चंबे का कोई बेली बार नहीं था चंबे ठग दे रहे शिमले में ही ठग दे रहे जे मैं ही अगर इतना मैं ही अगर इतना ही अगर सब जोर काम था ये तो अभी लगे ना पता लगना सी जगह जगह लगे जाना लगे था ना सड़क ना पानी ना टैंक ना हैंडपंप अभी मशीन लो रही अभी दवा तो हैंडपंप लग रही लगना भी तो गल है सारी जी असी चंबे रहना तुस दिखी लो असी चंबे बैठ रहे तो नसे तो नहीं अबे शिमले जाना चौथ थोड़ा सा फ्री जाना असा फिर शुरू कर देना काम असी तुम्हारा सारे लोगों का बड़ा धन्यवाद करते हैं तुम हमारा इलेक्शन साथ दिता प्रयाल साहब ने ठीक बोलिया जे अभी हमारा टारगेट 2019 और
मेरी सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होता, सारे तो दिखना जे कौन पार्टी काम कर दी है। अगर ऐसे काम कर गए तो तुझे मार के चलो नहीं कर गए मजा मजा। अगर ऐसे तुम्हारे दुख सुख अंदर कम मानी आगे तो गल करो ना, तो जिस मौके सद गए तू सा थकी जाना असा फिर आते असि आ जाए असि तीन चार महीने फिर आना और फिर जे काम लगे चेक करने सारे की बाकी काम लगे कि लगे ताई असि तुम्हारे द्वारा इस बाकी एक चंबी मीटिंग है तो मैं तुम्हारे सारे लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता तुस हमारा इलेक्शन भी साथ दिता अभी भी जोरदार स्वागत किया और असि तुस पूरा विश्वास करते तुम्हारे दुख सुख अंदर हिस्सा असि तुम्हारे कन्ने और अगे कन्ने रहेंगे। जय चंबा जय महाराज। महोदय कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लेकर जिन दिनों ने मिलना है वो 10 मिनट के लिए। आज मैंने रिंडा पंचायत का दौरा किया और लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं बताई, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर का था, ये सिमनी से फतेहपुर की रोड का था, लोग बड़े दिनों से इसकी डिमांड कर रहे थे। तो मैंने वैक्सीन साहब से बात की है तो मैंने इनको लोगों को पूरा विश्वास है जल्दी से जल्दी जो है इनकी रोड का काम होगा और बाकी जितने भी मेरी चंबा चुनाव क्षेत्र में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ भी लोगों को सड़क नहीं है वहाँ पर सड़क पहुँचाई जाए। इसके लिए मैं दिन रात लगा हूँ और इसमें हम जितनी भी सड़कें उनका सर्वे करवा रहे हैं और सड़क का फॉरेस्ट क्लियरेंस करा के जल्दी से जल्दी जो हम लोगों को सड़क मुहैया कराने जा रहे हैं।